देर आए दुरुस्त आए। आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में और आतंकवाद को जड़ से उखाड़ने के लिए लंबे समय से भारत जो प्रयास कर रहा था, ये उसकी बहुत बड़ी सफलता है। देश ने देखा है कि यूनाइटेड नेशन में क्या हुआ, कैसे 130 करोड़ जनता की आवाज पूरे विश्व में दहाड़ रही है। ये है नया भारत और ये है इस नए भारत की ललकार। मसूद अजहर के अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित होने की खबर एक ऐसे समय में दिल्ली पहुंची है जब चुनाव अपने उरूज पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिन पहले ही वोट मांगने के लिए सेना और सर्जिकल स्ट्राइक के इस्तेमाल के आरोपों से बरी हुए हैं और वो आतंकवाद और पाकिस्तान के नाम पर दूसरी बार सत्ता की चाबी मांग रहे हैं। मैं देश को याद दिलाना चाहता हूं कि जब यह काम चल रहा था तब नामदार ट्वीट करके बड़ी खुशी मनाते थे, एक पूरा वर्ग बहुत खुश था और मोदी की मजाक उड़ाते थे। आज इतने दिनों से मजाक उड़ाने वालों को मैं कहना चाहता हूं, ये सिर्फ मोदी की सफलता नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान की सफलता है, 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की सफलता है। तो चुनाव का सबसे तगड़ा मसाला न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय से भारत के चुनाव बाजार में पहुंच चुका है। बीजेपी तो मसूद पर कामयाबी से पहले ही कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीएसपी जैसे दलों पर पाकिस्तान और आतंकवाद परस्त होने के आरोप लगाते रहे और मोदी अपने आप को आतंकवाद के खिलाफ सबसे बड़ा चेहरा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों के ठिकानों का तबाह किया है, उससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक करके आतंकियों और उनके ठिकानों को नेस्त नाबूद किया है और उसके बाद आज की हमारी बहुत बड़ी कूटनीतिक विजय भी आज देश देख रहा है। उत्तर प्रदेश में ही अभी 41 सीटों पर चुनाव बाकी है और माहौल गर्म है। बंगाल में आधा चुनाव बाकी है और आतंकवाद के बहाने हिंदू मुसलमान का विमर्श खड़ा करने की कोशिश हो रही है। ऐसे में मसूद अजहर पर संयुक्त राष्ट्र का फैसला सबसे बड़ा चुनावी पर्चा बन सकता है। जिस तरह से मोदी और शाह बंगाल में एनआरसी का मुद्दा गर्म कर रहे हैं, मायावती यूपी में मुसलमानों से न बंटने की अपील कर रही हैं, सिद्धू बिहार में मुसलमानों से एकजुट मतदान का वरदान मांग रहे हैं या योगी आदित्यनाथ अली बजरंग बली कर रहे हैं, ऐसे में मसूद अजहर का अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित होना चुनाव को और गर्म बना देगा। आज भारत की बात पूरी दुनिया में सुनी जाती है, भारत की बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। ये बात आज साबित हो गई है और मैं डंके की चोट पे ये कहना चाहता हूं कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। बीजेपी ये साबित करने की कोशिश करेगी कि ये मोदी की एकल कामयाबी है और कांग्रेस ये बताने की कोशिश करेगी कि ये मोदी की नहीं भारत की कामयाबी है और इसके पीछे लंबी कोशिशें हैं। लेकिन सवाल है तो केवल इतना कि चुनाव में मसूद के नाम पर संयुक्त राष्ट्र से छपा हुआ नया चिट्ठा किसके काम ज्यादा आता है।